भाइयों बहनों, दिल्ली में 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल 10 जनपद में मैडम के पास था। 4 साल से दिल्ली में आपने मोदी की सरकार बनाई है, भाजपा की सरकार बनाई है, हमारा भी रिमोट कंट्रोल है, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी, यही मेरा हाई कमांड है, यही मेरा हाई कमांड है। ये हाई कमांड कहेगा बैठ जाओ, मोदी बैठ जाएगा। ये हाई कमांड कहेगा मोदी खड़े हो जाओ, मोदी खड़ा हो जाएगा। ये हाई कमांड कहेगा बाएं जाओ, मोदी बाएं जाएगा। हाई कमांड कहेगा मोदी दाएं जाओ, मोदी दाएं जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में हाई कमांड जनता जनार्दन होती है। बंधुगणे, मैं आज एक छोटी सी बात आपसे बताना चाहता हूं, आप जरा समझ जाइए। और मुझे पता है कि गांव का आदमी इस बात को बड़ी आसानी से समझता है। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठने वालों को शायद ये चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको पक्का समझ आ जाएगी। जिस गांव में पानी की किल्लत होती है और गांव को पता चलता है कि भाई मंगलवार को दोपहर 3 बजे पानी का टैंकर आने वाला है, तो गांव के भले भोले लोग क्या करते हैं, जहां टैंकर के आकर के खड़े रहने की जगह होती है, सुबह से जाकर के वहां अपनी बाल्टी रख देते हैं, फिर दूसरा अपनी बाल्टी रखता है, फिर तीसरा, सारे गांव वाले एक कतार में अपनी बाल्टी लगा देते हैं और 3 बजे टैंकर आएगा उसका इंतजार करते हैं। और लोग इतने ईमानदार होते हैं कि बाल्टी रख करके अपने घर काम के लिए चला जाता है, कोई किसी बाल्टी को छूता नहीं है। और फिर जैसे ही टैंकर आता है बाल्टी बारी बारी से भरता है। लेकिन आपने देखा होगा गांव में एक दबांग होता है, सरफरा होता है, कानून व्यवस्था को मानता नहीं है, लोकतंत्र को मानता नहीं है, नियमों को नहीं मानता है। वो 3 बजे ठीक पहुंच जाता है, यूं यूं छाती करके निकल के आता है और बाकियों की बाल्टियों को दूर करके खुद की बाल्टी सबसे पहले रख देता है और टैंकर का पानी पर उसी का हक है सबसे पहले ले लेता है। बंधुगणे, कल कर्नाटक में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा ही हुआ। अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा, 40-40 सीनियर नेता पड़े हैं उनका जो होशा होगा, उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। बंधु अंत घोषणा मिट्टी, आप मुझे बताइए, इस प्रकार से स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर देना, ये अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा है उसका सबूत है कि नहीं है? जवाब, जोर से जवाब दीजिए। ये अहंकारी नामदार का खुद को प्रधानमंत्री घोषित करना, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करना, 19 में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा इसकी घोषणा कर देना, ये कांग्रेस की आंतरिक लोकशाही की पोल खोल देता है कि नहीं खोल देता है? जिस नामदार को गठबंधन के साथी दलों पर भरोसा न हो, जिस नामदार को गठबंधन के सीनियर नेताओं की
ಸೀನಿಯರ್ ನೇತಾಂ ಕಿ ತವಜ್ಜು ನಾ ಹೋ ಜಿಸ್ ನಾಮದಾರ್ ಕೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಲೋಕತಂತ್ರ ಸೇ ಲೇನಾ ದೇನಾ ನಾ ಹೋ ಜಿಸ್ ನಾಮದಾರ್ ಕಾ ಅಹಂಕಾರ ಸಾತ್ವೇ ಆಸಮಾನ್ ಪರ್ ಪಹುಂಚಾ ಹೋ ಔರ್ ಜೋ ಖುಲೆ ಆಮ್ 2019 ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಮರ್ಜಿ ಸೇ ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಿತ ಕರ್ ದೇ ಐಸೆ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ನಾಮದಾರ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ದೇಶ ಕಿ ಜನತಾ ಕಭಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರೆಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾಯಿಯೋ ಬಹನೋ ये अहंकारी कांग्रेस ये अहंकारे नामदार न ये कांग्रेस दिलवाली है न ये कांग्रेस दलितों वाली है ये कांग्रेस पार्टी तो डील वाली है डील करना हर चीज में डील करना यही कांग्रेस का कारनामा है।